आज हम फैक्टर सीखेंगे। फैक्टर में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर्टीन है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म। हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल मल्टीपल जो होता है वो हमारे बीच के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो ये फैक्टर आ रहा है क्या आ रहा है, 14 का आ रहा है। 14 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 7 या 7 इंटू 2 लिख सकते हैं आप और किसी की टेबल में, तो 7 इंटू 2 करने से 14 तो आ गया, या 2 इंटू 7 करने से 14 आ गया। अब मुझे चाहिए 5, तो 7 में से अगर 2 चला जाता है तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि अब हम इसका फैक्टर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, और दूसरी बात हमें चेक करनी होती है कि हमारा ये जो डिजिट है, जो मिडिल टर्म है, वो माइनस में है या प्लस में। तो ये माइनस में है तो हमें लार्जेस्ट नंबर को कैसा लेना होगा, माइनस में लेना होगा, ठीक है। तो 7x प्लस 2x और माइनस 14, यहाँ से अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन वो लेंगे जो हमारे दोनों में मौजूद होगा, दो दो का पेयर बना लेंगे। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 हो गया, प्लस 2 कॉमन लीजिए क्योंकि हमें इस ब्रैकेट में माइनस ही चाहिए, ठीक है। x माइनस 2 7 जा 14, ये हो गया हमारे एक ब्रैकेट में, आ गया 1 माइनस x माइनस 7 आ गया, दूसरे में आ गया x प्लस 2 आ गया। इस तरह से हमारा फैक्टर हो गया।